नमस्कार निमच निमच टुडे में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए और एक बार फिर भाजपा ने इतिहास रचते हुए नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में विजय का परचम लहरा दिया। भले ही देश भर में एनडीए की सीटें कम आई हों, लेकिन मध्य प्रदेश और नीमच मंदसौर भाजपा के लिए फायदेमंद रहा है। यहाँ भाजपा लगातार जीतती रही है और रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। सुधीर गुप्ता ने लगातार तीसरी बार नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में जीत हासिल की। वे लगातार लाखों वोटों से जीतते रहे और इस बार तो जैसा कि लग रहा था कि वे 5 लाख वोटों से लीड करेंगे और यही साबित हुआ कि वे 5 लाख वोटों से लीड कर गए। सांसद सुधीर गुप्ता ने पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा, ना तो वे पार्षद का चुनाव लड़ा, ना पंचायत में कोई चुनाव लड़ा, ना वे सरपंच तक नहीं रहे। वे 2014 में सीधे लोकसभा चुनाव लड़ा और वे लगातार तीसरी बार सांसद बने। इसकी बड़ी सफलता यह है कि वे एक सक्रिय सांसद हैं, वो लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, साथ ही नीमच से लेकर दिल्ली तक राजनीति करते हैं और क्षेत्र को उपलब्धि दिलाते रहते हैं। उनके नाम कई रिकॉर्ड हैं। वे 3 बार सांसद रत्न के अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। लोकसभा में सर्वाधिक सवाल पूछने वाले सांसद का अवार्ड उन्हें मिल चुका है और साथ ही नीमच मंदसौर रतलाम संसदीय क्षेत्र में एक ही संसदीय क्षेत्र में 3 मेडिकल कॉलेज दिलाने की उपलब्धि भी उनके नाम है। जब वे चुनाव मैदान में आए थे तो उनके सामने कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं टिक पा रहा था। पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने मैदान छोड़ दिया था और कोई दिक्कत सामने नहीं आ रहा था। ऐसे में दिलीप गुजर मन मार कर यहाँ आए, संगठन के कहने पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें अपनी हार पता थी और वे हार के गए। लेकिन इतने ज्यादा वोटों से हारेंगे उन्हें कुछ भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन क्षेत्रीय जनता जानती थी कि सुधीर गुप्ता तो लाखों वोटों से जीतेंगे। इसलिए वे लगातार तीसरी बार सांसद बने और जीत का परचम लहराते हुए नीमच मंदसौर जाबरा संसदीय सीट एक बार फिर भाजपा की झोली में डाल दी है। देखिए यहाँ रिपोर्ट। नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में एक बार फिर इतिहास रचते हुए सुधीर गुप्ता ने तीसरी बार रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर अपना दबदबा कायम रखा है। उनकी लगातार सक्रियता और काम करने के तरीकों ने उन्हें हमेशा आगे रखा है। इस बार लोकसभा चुनाव में शुरुआती दौर से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि सांसद सुधीर गुप्ता 5 लाख वोटों की लीड लेकर जीतेंगे और जब सामने आए तो सुधीर गुप्ता 5,655 वोटों से विजयी रहे। सांसद गुप्ता ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। वर्ष 2019 के चुनाव में सांसद सुधीर गुप्ता ने 3,76,734 मतों से कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को हराया था और वर्ष 2014 के चुनाव में सुधीर गुप्ता ने 3,03,649 वोटों से मीनाक्षी नटराजन को शिकस्त दी थी। लगातार 2 चुनावों में सांसद सुधीर गुप्ता ने कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को 3-3 लाख वोटों से हराया और इस बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांग्रेस उम्मीदवार दिलीप गुजर को 5,655 वोटों से हराकर मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जीत दर्ज की है। सांसद सुधीर गुप्ता ने सांसद बनने से पहले पार्षद तक का चुनाव नहीं लड़ा और वे सीधे संघ पृष्ठभूमि से आकर संगठन के लिए कार्य करते रहे। उनके कार्यों की बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें वर्ष 2019 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ाया और पहली बार में लाखों वोटों से जीतने के बाद वे लगातार सक्रिय रहे और संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य करते रहे। उन्हें 3 बार सांसद रत्न का अवार्ड भी प्राप्त हुआ जिससे उनकी सक्रियता साफ नजर आती है। नीमच मंदसौर रतलाम सहित एक ही संसदीय क्षेत्र में 3 मेडिकल कॉलेज दिलाकर उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि कायम की और यह भी एक बड़ा रिकॉर्ड उनके नाम है।